हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है फ्राइडे। बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा ना पूरा जीभ एकदम कैसे छाला हो गया पता नहीं चल रहा, मुंह में भी हो गया है। ये देखिए मेरा बाबू। और कल थर्सडे था तो कल तो बहुत तेज आंधी और बारिश हुई, तो अभी तक बारिश का थोड़ा थोड़ा असर है, यानी ठंडापन है। तो मैं दो पहन ली हूँ, ठंडी लग रही है। तो अब तो नवरात्रा भी खत्म हो गया। कल नवमी था, रामनवमी था, तो आप सभी को देर से ही सही। ऐसे तो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दी थी, आप लोग को भी कर दी थी। और मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे। तो आज मैं अपना ब्लॉग डालने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप सबको सूचित क्या करूँ, मतलब इसी में ऐड करूँगी। तो आप सब ज़रूर देखना और ब्लॉग के लास्ट तक बने रहना। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन ऑल के साथ, ताकि हमसे रिलेटेड हर ब्लॉग आप तक पहुँचता रहे, आप सब उसे देखते रहो। और जो भूले बिछड़े जितने लोग हैं, मैं तो किसी के पास अब उतना नहीं जाती क्योंकि अब मेरे पास उतना नेट नहीं रहता, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता। तो बस यही कहूँगी, जितना जिससे हो सके सपोर्ट करिए। और सपोर्टिव का है जमाना, है ना? तो मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दो तीन एक दो जितने लोग का कमेंट रहता है, मैं उस हिसाब से उनके पास चली जाती हूँ। और देखिए बाबू जो है ना, ये पेच निकाल निकाल के, पिछला बार भी बताई थी आपको, बार बार निकाल के ऐसे कर लेता है। ये बाल देखिए सो के उठा है ना, तो ऐसे ही अभी है। तो अभी खाना बनाई हूँ, खाना में दाल चावल पालक साग बनाई और चोखा बनाई और चटनी अभी धनिया पत्ता डाली हूँ धोने के लिए। जाऊँगी तो उसको भी पीसूँगी। और बारिश तो बहुत तेज कल हुआ, बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज तेज से आ रही थी। और तो नवमी रामनवमी मैं साफ सफाई की, सब धुली भी, तो मैं ये सब कुछ नहीं शूट कर पाए, थोड़ी बहुत की, तो वो तो नहीं अभी इसमें डालूँगी ऐड करूँगी, क्योंकि मेरा पिछले का एक दो तीन चार ऐसे ही क्लिप छोटा छोटा बच चुका है, बचा हुआ है इसमें, तो मैं उसी को ऐड करूँगी। तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ठीक है, बने रहिएगा ब्लॉग के लास्ट तक, है ना? तो जी, ये क्लिप मेरी रामनवमी की है, मतलब कल की है। तो मैं इस दिन पूजा पाठ कर ली थी सुबह सुबह नहाकर, और मिश्री बतासे अंगूर, तो अंगूर मैं लेकर आई थी एक दिन पहले, तो उसमें से थोड़ा सा निकाल दी थी भगवान के लिए। तो मैं पूजा कर दी थी और रामनवमी की पूजा, और थोड़ी सी कपूर भी जला दी थी, क्योंकि कपूर जलाने से निगेटिविटी दूर होती है। इसके बाद मैं यहाँ पर खाना चढ़ाई थी, आलू बॉयल कर रही थी, और चाय एक तरफ चढ़ाई थी क्योंकि आलू का मतलब कल मैं बनाई थी बॉयल करके सब्जी और चावल। और फिर इसके बाद ये है दूसरे तीसरे दिन, एक दो दिन पहले का क्लिप, जब बेटी का पेपर था तो स्कूल जा रही थी पेपर देने, तो यहाँ पे जूते खोज रही थी, शूज खोज रही थी, अपना इधर उधर फेंक देती है, बाहर रखती हूँ तो चोरी ही हो जाता है, इसलिए यहीं पे रखना पड़ता है। और इतने सारे कपड़े पड़े थे धोने के लिए, तो बाहर का मौसम भी देख लीजिए कितना ख़राब है, सुबह सुबह का मौसम, और यहाँ पानी मेरा ओवरफ्लो हो चुका था। कभी कभी होता है ना, लगा के छोड़ दो, आदत नहीं, इंतजार मतलब कि ध्यान से निकल जाता है ना। और इसके बाद देखिए मेरा अंदर का नज़ारा कितना कबाड़ा हो चुका रहता है, जब बेटी स्कूल चली जाती है, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, मैं सबसे फ्री हो जाती हूँ, तो फिर मैं अपना काम करती हूँ। फिर बेटी यहाँ पर स्कूल जा रही थी, मेरे पैर को छू रही थी, तो ये देखिए इसका तो शॉर्ट इंस्टाग्राम पर आप लोग देखे होंगे कितने दिन का है, उसी दिन का एक क्लिप है। और बाबू भी जाने के लिए परेशान होता है, मैं उसे बोलती हूँ बाबू मत जाओ, लेकिन वो नहीं सुनता बेचारा, क्या करे, दीदी के पीछे लग जाता है, अकेला है ना, तो भी अकेला उसको मन नहीं लगता है। इसके बाद ये देखिए मेरा सारा रूम ऐसे ही पड़ा हुआ था, फैला हुआ था, तो मैं धीरे धीरे साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर मेरी कोशिश हो रही थी कैमरा को सही से सेट करने की, क्योंकि मैं कहाँ भी जहाँ भी लगाती हूँ बट नहीं होता है सेट, क्योंकि लाइटिंग ही सही नहीं आती है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मोबाइल भी थोड़ा ख़राब है, तो अंत में नहीं होता है, फिर मैं सब रख देती हूँ। उसके बाद खुद से अपने से ही बिना सेट किए, बिना कैमरा दिखाए, और मैं सब साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद ये देखिए बुग्गा पैसा फाड़ दिया था 10 का नोट,
तो अब वो पैसा फाड़ देता है, नोट रहता है तो फाड़ देता है, पता नहीं क्यों कैसे फाड़ दिया, समझ में नहीं आया, हाथ से लिया और दो टुकड़ा कर दिया, मेरे सामने ही दो टुकड़ा किया था, मैं देखी थी, मैं सोचा क्या फाड़ देगा, बट तुरंत तो फाड़ दिया रुक से रुकते, और उसके बाद हंस भी रहा था, फाट फाट करता है। तो अब अब समझदार हो गया है, आप लोग देखे होंगे कितना छोटा था जब मैं यूट्यूब पे अपना मन बनाई थी कि अब इस पे भी अपना कुछ करना है, बट अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, उतनी दिन से आज तक लग रही हूँ, परेशान हूँ, मेहनत कर रही हूँ, कोई फल नहीं मिल रहा है मेहनत का। और हाँ, आप लोग बोलते हैं 32 बार फॉर्मूला, पिछले बार भी मैं पूछी थी, तो आप लोग बताइएगा ये होता क्या है। ये देखिए यहाँ पर दूसरे दिन का है, जब बारिश हो रहा था यहाँ पर ओले गिर रहे थे, तो जूते चप्पलें देखिए अंदर रख दी थी, तो बेटी ही रखती है, मैं नहीं, सब रखती हूँ, बाहर ही छोड़ देती हूँ भीगने के लिए। और इसके बाद हो चुकी थी शाम, तो ये देखिए मेरा ये राशन आ चुका था, तो राशन में ढेर सारा राशन आया था, तेल था, बर्तन धुलने वाला साबुन था, नहाने वाला साबुन था, आटा था, एक डाब पानी मंगाई थी मैं अपने लिए, पेस्ट था, और हाँ जूना था, हींग था। आप लोग देखिए क्या क्या है। तो बस आज का ब्लॉग छोटा ही है, तो आप सब सपोर्ट कीजिए, और फुल सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, इसमें चीनी था, तो एक बार थोक मंगा लेती हूँ तो मेरा 10 दिन 15 दिन ऐसे चल जाते हैं, साबुन, और साबुन तो चले जाते हैं, आटा भी चल जाती है, 5 केजी आटा लाती हूँ तो 10 दिन 15 दिन ये भी चल जाते हैं, क्योंकि उतना मैं रोटी खाती नहीं, तो मैं इस डिब्बे में लगा रखती हूँ आटा, तो इसको मैं पहले साफ़ कर देती हूँ, साफ़ करने के बाद आटा को उसमें रख देती हूँ, पहले धुल कर इसी से पोंछ कर कपड़ा से, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट हो गए थे, मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मुँह दर्द दे रहा है, अब स्टार्टिंग में आपने देखा, तो ठीक है मैं इसे पोंछ कर रख देती हूँ तब तक, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और क्या कह सकती हूँ दूसरों के लिए, मैं बस यही कहूँगी कि भगवान सबको अच्छे से रखे, खुशी दे, कभी किसी को किसी से दूर न रखे, दूर न करे। देखिए मैं इसमें थोड़ी सी एक टिफिन का ढक्कन डाल दी हूँ, क्योंकि इससे मैं आटा निकालने में थोड़ा इजी होता है, आसान होता है। तो बाबू यहाँ पे बाय कर रहा था कि ठीक है अब जा रही हूँ, बाय कर दो, सुनता नहीं है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है आजकल, अब इसको मैं